नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिंदी इंग्लिश टिप्स पे। मैं हूँ विवेक कुमार सिंह। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनआईटी के फी स्ट्रक्चर के तो को कैसे समझते हैं। वैसे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर किसी भी एनआईटी के फी स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं और लेटेस्ट फी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो उसमें समझ में नहीं आती हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। कोई भी गार्जियन हो या कोई फ्रेशर बच्चा यानी 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चे जो इसको देख सकते हैं, और मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस भी उसमें ऐड करूँगा, एडिशनल बातें भी ऐड करूँगा। तो सबसे पहले मैं एनआईटी दुर्गापुर के बारे में देखता हूँ कि कौन कौन। तो एनआईटी दुर्गापुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आ जाते हैं। फिर उसके बाद एकेडमिक सेक्शन में यहाँ पे फी पर क्लिक करते हैं। फी पर क्लिक करते ही ओपन होगा और इसमें पूरा प्रोग्राम जो है 2021 का पीएचडी के लिए, पीजी के लिए और बीटेक के लिए और इंटीग्रेटेड एमएससी डुअल डिग्री के लिए। यहाँ पे डीडी का मतलब डुअल डिग्री है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जो देख रही है यहाँ पे बीटेक है, डीडी है और इंटीग्रेटेड एमएससी है यहाँ पर इस तरीके से है और पीजी के लिए है। तो बारी बारी से हम पहले देखते हैं। तो पहले हम बीटेक के लिए शुरू करेंगे। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके से पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले लिखा गया है फी स्ट्रक्चर फॉर द एडमिशन ईयर ऑफ 2021, यानी ये बहुत ही लेटेस्ट जो है पीडीएफ है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है इस बार के एडमिशन में। तो इसमें नीचे है बीटेक के लिए है और एमटेक के लिए डुअल डिग्री है। और बीटेक एंड एमटेक मतलब क्या होता है कि इसमें जो बीटेक के साथ जो बच्चे एमटेक लेते हैं यानी जो 5 साल का कोर्स होता है, ये होता है डुअल डिग्री और इनके से हैं। और अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि इन तीनों का फीस जो है, जो डिग्री है यहाँ पर नीचे दिया गया है। अब पहला है पेमेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वन टाइम पेमेंट। इसका मतलब ये है कि अब जब एडमिशन लेने जाएंगे तो एक टाइम फीस आपको पेमेंट करना पड़ेगा, यानी अगर 4 साल में आपको 4 साल का कोर्स है तो आपको सिर्फ एक बार ही आपको फी पे करना पड़ेगा। जैसे आपको एडमिशन फी आपका इसमें अमाउंट 3,000 रुपये है इंडियन स्टूडेंट के लिए, और इंस्टीट्यूशन रजिस्ट्रेशन फी आपका 500 रुपये है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट फी आपका 3,500 रुपये है, और कन्वोकेशन फी यानी जो दीक्षांत समारोह होता है यानी जब आपको डिग्री मिलती है उसका जो होता है जो है उसमें 500 रुपये मिलते हैं, 500 रुपये देना पड़ता है। एलुमनी एक्टिविटी फी यानी जो पास आउट हो जाते हैं बच्चे उन्हें एलुमनी बोलते हैं, और उनमें जब वो आते हैं कॉलेज में जो आप एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उसके लिए आपको 1,000 रुपये देने पड़ते हैं। फिर इंस्टीट्यूशन कॉशन मनी रिफंडेबल आफ्टर एडजस्टमेंट, आपको मतलब कि जो कॉशन मनी है कहीं इधर उधर की मनी तो रिफंड हो जाता है अगर आप मतलब कि एडजस्टमेंट हो जाता है या फिर ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो इस तरीके हैं। और उसका बाद आता है दूसरा ट्यूशन फी। ट्यूशन फी जो है कि पूरी एनआईटी में सेम है। यहाँ पे दूसरी चीज़ मैं बता दूँ कि जैसे कहीं कहीं कन्वोकेशन फी, एलुमनाई एक्टिविटी फी, ये चीज़ें अलग हो सकती हैं, लेकिन एनआईटीज में, टोटल एनआईटीज में ट्यूशन फी हर जगह सेम होगा। तो ट्यूशन फी के लिए यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी बना रखा है। जैसे पहला देख लिया जाए पहले में, तो पहले में यहाँ पे देखिए जैसे जोसा के है, सी सैब के थ्रू है और डुअल डिग्री। तो ये जो स्टूडेंट जो इंडिया के हैं उनको 62,500 रुपये देने पड़ेंगे, और स्टूडेंट एडमिटेड थ्रू जोसा फॉर इंटीग्रेटेड एमएससी के लिए उन्हें 7,500 रुपये देने पड़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। फिर उसके बाद है एडमिटेड थ्रू सार्क कंट्रीज, जो सार्क कंट्रीज हैं जो भी ग्रुप बने हैं सार्क कंट्रीज में उनको 1,750 USD मतलब कि US डॉलर देने पड़ेंगे। ये जो GOI यहाँ पे आप देख रहे हैं और यहाँ पे MEA देख रहे हैं, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और है MEA है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उसका है। और फिर उसके बाद स्टूडेंट एडमिटेड थ्रू ICCR के लिए वहाँ पे $1,500 देने पड़ेंगे एक सेमेस्टर के लिए, और स्टूडेंट थ्रू ढासा यानी जो अदर कंट्रीज़ के हैं जो ऊपर सार्क और नॉन सार्क कंट्रीज़ के नहीं है और अलग कंट्री के, तो उन्हें $4,000 पर सेमेस्टर देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आता है अदर इंस्टीट्यूशन फी। अदर इंस्टीट्यूशन फीस में क्या होता है कि आपको लाइब्रेरीज चार्ज होते हैं, कंप्यूटिंग चार्ज, यानी जो भी इंस्टीट्यूशन जो है वहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है उसकी आप फी लेती है। तो ये भी अलग अलग हो सकता है अलग अलग एनआईटीज के थ्रू, तो आप देख सकते हैं उसमें जाकर।
तो इसमें पहला लाइब्रेरी चार्ज, लाइब्रेरी चार्ज में आपको यहाँ पे दिखाया गया है अदर इंस्टीट्यूशन फी पेमेबल पर सेमेस्टर इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग फर्स्ट सेमेस्टर, तो आपको पर सेमेस्टर आपको देना पड़ेगा इसमें। तो लाइब्रेरी चार्ज आपका 1000 रुपये होगा, कंप्यूटिंग चार्ज आपका 1500 रुपये। अब लाइब्रेरी अगर नहीं पता है तो लाइब्रेरी ऐसा जगह है जहाँ पर आपको बुक वगैरह मिल जाएंगे, जो मतलब कि यहाँ पे बुक हर डिपार्टमेंट के हर तरीके के बुक मिल जाएंगे आपको, जो कॉलेज रिलेटेड कोर्स रिलेटेड हैं। फिर उसके बाद आता है कंप्यूटिंग चार्ज, यानी कंप्यूटिंग चार्ज में आपको कंप्यूटर से जो भी आपका कंप्यूटर सेंटर होगा जहाँ पे आप दिन में जाकर नेट चला सकते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट हेल्थ केयर, हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हेल्थ केयर होती है कि इमरजेंसी के लिए आप वहाँ जाकर मेडिसिन वगैरह ट्रीटमेंट करा सकते हैं, तो यहाँ पे आपको 200 रुपये पर सेमेस्टर देने पड़ेंगे। एग्जामिनेशन फी आपको 1000 रुपये, स्टूडेंट एक्टिविटी फंड आपको 1200 भी देते हैं तो यहाँ पे 400 रुपये पर सेमेस्टर आपको इंश्योरेंस भी देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है हॉस्टल फी, हॉस्टल फी के बारे में समझते हैं। तो इसमें पहला दिया है हॉस्टल फी पेमेबल पर सेमेस्टर इंक्लूडिंग फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब कि आपको पर सेमेस्टर देना होगा और पहले सेमेस्टर को इंक्लूड करते हुए। तो सीट रेंट आपका 4000 अमाउंट इन INR, मतलब इंडियन रुपीज़ में आपका सीट रेंट 4000 रुपये होगा। यानी सीट रेंट मतलब होता है कि जो आप रूम लेंगे उसको आपको रेंट देना पड़ेगा, तो वही होता है आपका सीट रेंट। और सीट रेंट के बाद उसका इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा, जो 1500 रुपये होगा पर सेमेस्टर। और पर सेमेस्टर में जो बोल रहा हूँ वो सेमेस्टर पहले मैं बता दूँ, सेमेस्टर जैसे आप ईयरली, हम ट्वेल्थ में ईयरली एग्जाम देते हैं और वैसे ही बीटेक एमटेक NITs में सेमेस्टर सिस्टम चलते हैं, यानी आपको 2 बार एग्जाम देने होते हैं, 1 दिसंबर में 1 मई जून में। तो यानी आपको 6 महीने पे फी पेमेंट करने पड़ेंगे। तो 6 महीने का मतलब 6 महीने बाद नहीं, मतलब आपको शुरुआत के 6 महीने, मतलब जैसे आप जुलाई में जा रहे हैं तो जुलाई में पेमेंट करने पड़ेंगे, और जनवरी दूसरा सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है तो आपको जनवरी में पेमेंट करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपको हर सेमेस्टर में यानी 6 महीने में आपको फी पेमेंट करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आता है हॉस्टल एम्प्लॉयज़ वेलफेयर फंड, यानी जो आपको हॉस्टल में जो वर्कर्स हैं उनके लिए कुछ फंड्स देने पड़ते हैं उनके वेलफेयर के लिए, यानी उनकी अच्छाई के लिए। तो उस तरीके से आपको फ़ंड देने पड़ेंगे, आप मिलाकर आपका 5600-5600 रुपये आपको हॉस्टल फी देना पड़ेगा। फिर उसके बाद होता है अदर हॉस्टल रिलेटेड चार्जेस, अदर हॉस्टल रिलेटेड मतलब हॉस्टल कॉशन मनी में आपको जैसे वन टाइम पेमेंट होता है रिफंडेबल आफ्टर एडजस्टमेंट, यानी ये 5000 जो है आपका रिफंड हो जाएगा या फिर आपके अगले हॉस्टल फी में चला जाएगा। तो ये आपका एक तरीके से सिक्योरिटी मनी है, जो मतलब 5000 रुपये आपको देने रिफंडेबल है और एक टाइम ही आपको पेमेंट, यानी हॉस्टल लेते समय आप भी पेमेंट करेंगे। और फिर आपको अगले साल नहीं, अगर आप हॉस्टल चेंज करते, मान लीजिए आपके NITs में 4 या 5 हॉस्टल हैं या 10 हॉस्टल हैं, तो आपको अगले हॉस्टल, मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में आपने एक हॉस्टल लिया, फिर अगले साल आपको ये दूसरे हॉस्टल में अगर करते हैं तो आपको वहाँ पर कोई 5000 रुपये नहीं देना पड़ेगा, यानी कोई कॉशन मनी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि आपका फर्स्ट हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट हो जाएगा। जब आप 4 साल बाद निकलेंगे तो 5000 रुपये, अगर आपका हर डाटा क्लियर रहेगा, हर चीज़ वहाँ पर आपने अच्छे से रहा है, कोई नुकसान नहीं पहुँचाया हॉस्टल को, तो आपको 5000 रुपये आपको वापस भी मिल जाएगा। फिर उसके बाद आता है स्टूडेंट एड फंड पेमेबल इस सेमेस्टर, अब जो ये है स्टूडेंट्स के लिए 200 रुपये पर सेमेस्टर आपको देने पड़ेंगे, कोई मतलब जैसे छात्रों के लिए कोई स्पेशल कोई चीज़ आ रहा है तो वहाँ पर आपको देना पड़ेगा। फिर मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट चार्ज पेमेबल इस सेमेस्टर, आपको मेंटेनेंस जैसे हॉस्टल में ग्रास होते हैं उनके कटिंग के लिए और उसके थोड़ा बहुत डेवलपमेंट जैसे पानी वाटर वगैरह इन सब के लिए आपको 1500 रुपये देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आता है मैस एडवांस, मैस क्या होता है, मैस वो जगह है जहाँ पर आप खाना खाते हैं, आपको वहाँ पे सुबह शाम नाश्ता वगैरह डिनर ब्रेकफास्ट सब मिलता है, तो इस तरीके से यहाँ पर है। तो मेस एडवांस आपको पेमेबल इस सेमेस्टर, आपको मेस एडवांस पहले ही देना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको हॉस्टल के ब्रोचर में मिलेगा कि आपको कितनी फ़ीस देनी है। तो आपको मेस एडवांस जैसे मान लीजिए किसी किसी हॉस्टल में 50 से 60 रुपये पर डे के हिसाब से लेते हैं, तो किसी हॉस्टल में 100 रुपये पर डे के हिसाब से लेते हैं, यानी आपका अगर NIT में 3000 रुपये पर मंथ आपका मेस चार्जेज हो जाएगा, तो हो सकता है कि वो 18000 आपसे 6 महीने के लिए अलग से लें, तो इस तरीके से कुछ चार्जेज लगेंगे आपको। अब दोस्तों बात आती है नीचे जो लिखा गया है हैशटैग लगाकर फी वेवर एज पर MHRD और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ लेकिन वो थोड़ा डाउनग्रेड है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक और वीडियो उस पर बनाऊँ, लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो में समझा दे रहा हूँ।
तो यहाँ पे जैसे फी वेवर एज MHRD और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ पहले कि आपको सिस्टम है। यहाँ पे जो हैशटैग लगा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं आप आसानी से, यहाँ पे हैशटैग। तो इन्हीं दो बारों दो चीज़ों के बारे में वहाँ पे बताया गया कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसे आप SC ST के लिए, PWD के लिए यहाँ पे ट्यूशन फ़ी पूरा माफ़ रहेगा। बाद जैसे BTEC कर रहे हैं तो आपको 62,000 रुपये पर सेमेस्टर जो लग रहा है, 62,500, वो आपको नहीं लगेगा, देना पड़ेगा। फिर तीन कैटेगरी बनाई गई है, जैसे जनरल OBC के बच्चों के लिए कि अगर कोई 1 लाख से नीचे पेरेंटल इनकम का है तो उसको भी नहीं देना पड़ेगा, ट्यूशन फ़ी पूरी पूरी माफ़ रहेगी। फिर इसके बाद 1 लाख से 5 लाख के बीच में आपका 1/3 आपको देना पड़ेगा, 2/3 आपको पूरा वेव कर दिया जाएगा। फिर 5 लाख के ऊपर वाले बच्चों के लिए आपको यहाँ पर ट्यूशन फ़ी देना पड़ेगा पूरा पूरा। तो उसके लिए यहाँ पर लोन वगैरह भी अवेल है, तो आप चाहें तो लोन भी ले सकते हैं। इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, अगर अच्छा है तो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा।